today we are going to start with the topic diversity and discrimination. Just write down on your book from this chapter only source based question will come. सोर्स बेस्ड, ठीक है, आप अपनी बुक्स में लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे कि इस चैप्टर में से आपने क्या करना है. नो क्वेश्चन आंसर्स, कोई वन मार्क क्वेश्चन, थ्री मार्क्स क्वेश्चन, फाइव मार्क्स क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आना, ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस चैप्टर. इस चैप्टर को सिर्फ समझो, अंडरस्टैंड द टर्म्स दैट आर मेंशन्ड इन दिस चैप्टर. जो इस चैप्टर में टर्म्स आई है दैट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ताकि लेटर ऑन अगर ये टर्म्स कहीं आए तो यू आर एबल टू गिव द आंसर. आपका जो नोटबुक पे करने वाला काम था वो ग्लोब के साथ खत्म हो गया. ओनली ग्लोब चैप्टर यू हैव टू डू ऑन द नोटबुक, बाकी आपका जो काम है दैट इज ओवर. दिस चैप्टर इज ओनली फॉर द सोर्स बेस. यस, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस. जो हमने सिविक्स का पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने डाइवर्सिटी का मतलब पढ़ा. डाइवर्सिटी, वैरायटी, इतनी सारी लैंग्वेजेस, पीपल, रिलीजन्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बहुत सारा कुछ ना, हमें बहुत अच्छा लगा था क्योंकि डाइवर्सिटी पढ़ने से हमें नॉलेज मिल रही थी, अंडरस्टैंडिंग हो रही थी, है ना, हमें एक्साइटमेंट मिल रही थी. पर कहीं ना कहीं ये डाइवर्सिटी आने से हम कुछ लोगों के साथ कुछ उनको बहुत अलग तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दें. तो ये चैप्टर कुछ इस बारे में है कि जब हम इंडिया को कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इतने सारे लोग यहाँ रह रहे हैं, मिलजुल के रह रहे हैं, फिर भी हम एक दूसरे के साथ, एक हिंदी में वर्ड होता है भेदभाव, हम उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव करते हैं. अब बेटा देखो, आपकी बुक में भी मेंशन है कि हमारे यहाँ पे नियर अबाउट 1600 लैंग्वेजेस हैं, 8 रिलीजन्स हैं जो प्रैक्टिस होते हैं, ठीक है. रिलीजन में वैरायटी है हर एक एरिया की. अगर आप देखा जाए पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, पर पंजाबी बोलने की एक्सेंट में ही वेरिएशन है. दुआबा में अलग है, मांझा में अलग है, तो कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशन आ जाती है. तो जो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है जिसमें ये बताया गया है कि नियर अबाउट 1600 लैंग्वेजेस हैं जो लोग बोलते हैं, जो वर्ल्ड के जो 8 रिलीजन है दैट आर प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन है, कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ कुछ ना कुछ गलत मिसबिहेव कर. कैसे? सोचो आपकी क्लास में कोई नया बच्चा आया, ठीक है पेंडेमिक है, हम घर पे हैं, बट वी आर अज्यूमिंग हम रेगुलर स्कूल आ रहे हैं. कोई नया बच्चा आया, आप एक तो आपको लगता नहीं इसकी ना शक्ल नहीं अच्छी, इसका कलर नहीं अच्छा, नहीं ये डार्क कॉम्प्लेक्शन, पता नहीं कहाँ से है इसकी, इसकी और हो सकता है हमारे इंटरेस्ट ना मिले, है ना, पता नहीं इसमें ईगो ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा मतलब अजीब सी है ना. तो कई बार हम अपने मन में अज्यूम करने लग जाते हैं, अभी हमने उस पर्सन से बात नहीं की. मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे नहीं पता आप कैसे हो या क्या हो, तो मैं अज्यूम कर लूँ ठीक है जो ये वाला स्टूडेंट है ना, ये मेरे को लगता है ये पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा, इसने मुझे काम भी नहीं सबमिट करवा के देना, और हो सकता है वही बच्चा सबसे पहले मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स दे दे, हो सकता है वो बच्चा सबसे पहले मुझे काम करके दे दे, पर मैंने अपने दिमाग में ये चीख बिठा ली कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट दैट इज नॉट गोइंग टू सेंड मी द वर्क, ये पढ़ाई में भी अच्छा नहीं होगा, इसके मार्क्स भी अच्छे नहीं आएंगे, ठीक है. तो इस चीज को हमने एक अपने दिमाग में प्री कंसीव कर लिया है, अपने दिमाग में ये बिठा लिया है. तो जैसे आपको कोई फ्रेंड, न्यू फ्रेंड आता है, कई बार वो इजिली मिक्सअप हो जाता है, आप भी उसको इजिली फ्रेंड बना लेते हो, पर कई बार आपको टाइम लगता है, आप जब उससे बात करते हो तो आपको पता लगता है उसको तो कोई और चीजों में इंटरेस्ट है, वो फुटबॉल खेलना पसंद करता है, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है, आप बाहर जाके खेलना पसंद करते हो, या वो घर पे ही रह के खेलना पसंद करता है, या उसको बाहर घूमना पसंद नहीं है, आपको बाहर जाना पसंद है, तो आप एक अपने दिमाग में उसकी एक इमेज बना लेते हो, पर वो इमेज क्या है, पॉजिटिव नहीं है, दैट इमेज इज नॉट पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव इमेज. और आप क्या करते हो, धीरे धीरे उससे बात करना मना कर देते हो, आप उससे इंटरेक्ट नहीं करते, उसको साइड पे रख देते हो, तो यू स्टार्टेड डिस्क्रिमिनेटिंग देम, उनको लोअर फील करवाना, उनको सोचने पे मजबूर कर देते हो, शायद हम में कोई कमी है, दैट्स व्हाई जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो ये स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे फ्रेंड नहीं बन. तो इस फीलिंग को आपकी बुक में एक टर्म दी गई है, दैट इज प्रिजुडाइज, दैट इज प्रिजुडाइज. When we judge people in a negative way, जब हम लोगों को negative way में judge कर रहे हैं,
हमने प्री कंसीव कर लिया, अपने दिमाग में ये सोच बिठा लिया है कि ये पर्टिकुलर पर्सन ठीक नहीं है। जैसे अब कई लोग हैं, जैसे आपकी बुक में कहा है कि जो अर्बन एरियाज में रहते हैं उनको लगता है कि जो रूरल एरियाज में है, जो विलेजेस में है, उनको खाने पहनने का तरीका नहीं आता, दे डोंट नो हाउ टू सिट, दे डोंट नो हाउ टू ईट। और जो विलेजेस में रहते हैं उनको लगता है कि जो अर्बन एरियाज में है इनके पास हार्ट नहीं होता, ये मनी माइंडेड पीपल है, ये किसी से इंटरेक्ट नहीं करते। मतलब बिना किसी को जाने पहचाने हम अपनी दिमाग में ये सोच बना रहे हैं, और जो सोच बना रहे हैं दैट इज टोटली नेगेटिव, दैट इज प्रिजुडाइज। वो क्या है टर्म? प्रिजुडाइज है, ठीक है। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब हम किसी किन्हीं लोगों को नेगेटिवली जज कर रहे हैं, नेगेटिव बारे में, मतलब हमने अपने दिमाग में ये पहले से ही कंसीव कर लिया, प्रसीव कर लिया है कि लोग उनके बारे में एक धारणा बना ली है जो पॉजिटिव वे में नहीं है, नेगेटिव वे में है, सो दैट वी आर यूजिंग द टर्म प्रिजुडाइज। जैसे अब हमें लगता है कि दोज हु आर एबल टू स्पीक इंग्लिश उनको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, अच्छी जॉब्स भी इनको मिलती हैं। आज के टाइम पे हमारा क्राइटेरिया क्या है कि जिसको इंग्लिश बोलनी आती है, दोज हु आर हैविंग फ्लुएंसी इन इंग्लिश उनको अच्छी जॉब्स, लोग भी उनको पसंद करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हमने क्या कर लिया, एक अपने दिमाग में बिठा लिया कि जो अदर लैंग्वेजेस हैं वो इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता बेटा, ऑल लैंग्वेजेस आर इम्पोर्टेंट। हिंदी की अपनी इम्पोर्टेंस है, पंजाबी की अपनी इम्पोर्टेंस है, उर्दू की अपनी इम्पोर्टेंस है, बांग्ला की अपनी इम्पोर्टेंस है। पर आज के प्रेजेंट टाइम में क्या है, व्हेन वी आर स्टडिंग इन स्कूल हमें होता है वी शुड कन्वर्स इन इंग्लिश, अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। जब हम इंटरव्यू में जाते हैं वी शुड ऑल्सो कन्वर्स इन इंग्लिश, है ना, तो थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो कई बार हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं ना कि आप पब्लिक स्कूल में पढ़ते हो, आप यू शुड कन्वर्स इन इंग्लिश, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अदर लैंग्वेज को इंफीरियर समझे। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है दैट इज प्रिजुडाइज, ठीक है। अब जैसे कई लोग होते हैं, हमें लगता है जैसे ट्राइबल लोग हैं उनको खाना नहीं खाना आता, पता नहीं वो कपड़े पहनते हैं कि नहीं, अभी भी वो पेड़ पत्तों से ही अपना आप को ढकते हैं, कैसे ढकते हैं। तो ये हमने अपने दिमाग में उनकी एक इमेज बना ली और वो नेगेटिव है। पर आज के टाइम पे गवर्नमेंट के एफर्ट से दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ आर सोसाइटी, वो हमारी सोसाइटी का अभी भी पार्ट है, ओके। अब जो हमारी जो नेक्स्ट टर्म है ना दैट इज रिलेटेड टू दैट। अभी तो हमने एक फिक्स्ड इमेज कर दी ना, अब हमने क्या किया, एक नेगेटिव इमेज बना ली किसी पर्सन की, मतलब उसको हम अपने से इंफीरियर समझ रहे थे, दैट वाज प्रिजुडाइज। बट वन थिंग मोर इज देयर, जहां पे हम इनइक्वालिटी की बात कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेशन की बात कर लेते हैं, जहां पे हमने कई बार ये वर्ड सुने होते हैं, जो गर्ल्स हैं वो घर पे रहेंगी, ज्यादा देर नहीं बाहर जाएंगी, जो आपके मेरे को लगता है सिबलिंग्स होंगे, आपके ब्रदर्स होंगे, उनको ज्यादा देर बाहर खेलने दिया जाता है, आपको कहा जाता है आप जल्दी घर वापिस आ जाओ, ठीक है। और एक कॉमन वर्ड तो हमें सुनने को ही मिलते हैं कई बार, लड़का होके रो रहा है, लड़कियां रोती हैं, है ना, बी ब्रेव, है ना, लड़के थोड़े ना रोते हैं इस तरह से। तो ये कॉमन सेंटेंसेस हैं, एक तरह की हमने फिक्स इमेज बना ली है कि गर्ल्स क्या करेंगी, वो घर पे रहेंगी, घर का काम करेंगी, जो बॉयज हैं वो बाहर जाके खेल सकते हैं, दे कैन स्पेंड मोर टाइम आउटसाइड। पर प्रेजेंट टाइम में यू आर ब्लेस्ड कि आपके पेरेंट्स इस तरह का कंपैरिजन नहीं करते। एक चीज और, वीमेन आर द वर्स्ट ड्राइवर्स, वीमेन को ड्राइविंग करनी नहीं आती। कई बार ये कौन ड्राइव कर रहा है, पता नहीं आगे वीमेन ही ड्राइव कर रही होगी, पर प्रेजेंट टाइम पायलट्स आर देयर, वीमेन पायलट्स आर देयर, इंजन ड्राइवर्स आर देयर, है ना, बस ड्राइवर्स आर देयर, ट्रक ड्राइवर्स आर देयर। ये हमारे दिमाग में ना एक इमेज बना लिया है कि जो वीमेन है वो अच्छे से ड्राइविंग नहीं कर पाती। इट मीन्स वी आर हैविंग फिक्सिंग अ इमेज, हमने एक इमेज अपने दिमाग में बिठा ली है, दैट इज स्टीरियोटाइप। अच्छा मुझे ये बताओ, डॉल्स के साथ कौन खेलता है, हु प्ले विद डॉल्स, बॉयज और गर्ल्स, राइट डाउन, गर्ल्स। कार्स के साथ, गैजेट्स के साथ, बॉयज। अच्छा अब देखो यहां पे भी थोड़ा आ जाता है, अगर बॉय हो के अगर किसी ने डॉल के साथ खेलना शुरू कर दिया, लड़की है तो गुड़ियों से खेल रहा है ना, लड़कियां, मतलब इट मीन्स क्या कंसेप्शन है कि जो गर्ल्स हैं वो सॉफ्ट होती हैं, सॉफ्ट स्पोकन होती हैं, ठीक है, उनको मतलब दे आर वेरी मच जेंटल, दे आर वेरी मच पोलाइट। और बॉयज क्या होते हैं, शोर मचाने वाले, ब्रेव,
करेजियस, तो ये टर्म्स हम किसके साथ यूज कर रहे हैं, बॉयज के साथ, है ना। तो ये थिंकिंग होगी स्टीरियोटाइप, दैट इज स्टीरियोटाइप थिंकिंग। हमने एक फिक्स्ड इमेज बना ली है रिलेटेड टू बॉयज एंड गर्ल्स। घर पे खाना कौन बना रहा है, मम्मा। रेस्टोरेंट में खाना कौन बना रहा है, शेफ। अगर एक देखा जाए खाना कौन बनाएगा, गर्ल्स बनाएंगी, है ना, विमेन बनाएंगी। और जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो, फिर संजीव कपूर शेफ है, मेल है, है ना। तो एक तरह की हमने क्या धारणा बनाई है, एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, हु विल कुक द फूड, गर्ल्स विल कुक द फूड, विमेन विल कुक द फूड। पर प्रेजेंट टाइम में होटल्स में रेस्टोरेंट्स में हु आर कुकिंग द फूड, शेफ्स, एंड दी शेफ्स आर मेल। बेटा जब हम स्टीरियोटाइप थिंकिंग की बात करते हैं ना, इसको तोड़ने में बहुत टाइम लगता है। वी हैव टू टेक द स्ट्रिक्ट एक्शंस अपॉन देम, हमें उस लिमिट्स को बियॉन्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो हमें लगता है कि जो गर्ल्स हैं इनके लिए टीचिंग की जॉब, नर्सिंग की जॉब यही अच्छी है, क्योंकि ये पोलाइट हैं, सॉफ्ट स्पोकन हैं। तो बॉयज हैं ये आर्मी में जा सकते हैं, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं। अब गर्ल्स भी आर्मी ज्वाइन करती हैं, गर्ल्स आर ऑल्सो द पायलट, गर्ल्स मर्चेंट नेवी में भी जा रही हैं। इवन जैसे हम माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं, बिचेंद्री पाल, है ना, तो माउंट एवरेस्ट तक पहुंच गई हैं। तो इस स्टीरियोटाइप थिंकिंग को तोड़ने को बहुत टाइम लगता है, ठीक है। किरण बेदी की बात करें, आईपीएस ऑफिसर है। अब बंगाल के इलेक्शंस हुए हैं, ममता बनर्जी शी बिकम द सीएम ऑफ बंगाल। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, तो वो भी विमेन है। तो अब ये थोड़ा ना कि लीडर्स हमेशा, पहले के टाइम पे रूलर्स कौन होते थे, ओनली मैन। उस टाइम हम विमेन को सोच भी नहीं सकते थे, बट नाउ वी आर एक्सेप्टिंग देम एज अ रूलर्स। तो ये दो चीजें हैं, वन इज प्रिजुडाइज, अदर इज स्टीरियोटाइप। प्रिजुडाइज मतलब जब आप किसी को नेगेटिव वे में ले रहे, यू आर थिंकिंग नेगेटिव अबाउट देम। स्टीरियोटाइप व्हेन यू आर फिक्सिंग द इमेज, बॉयज और गर्ल्स को लेके इमेज फिक्स की हुई है, मेल फीमेल के वर्क को लेके फिक्स इमेज की हुई है, दैट इज, ठीक है। तो ये दो टर्म्स हैं जिसको समझना है इस चैप्टर में, फर्स्ट प्रिजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप। आई होप दीज टू टर्म्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ यू कैन आस्क व्हाटएवर क्वेरीज यू आर हैविंग।